welcome to my channel. My name is Anandita and welcome to yet another vlog. And आज है महानवमी, तो first of all सकल के महानवमी प्रिय शुभेच्छा, महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. एंड या एंड मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पूछा था कि मेकअप वीडियोस कुछ दिनों तक नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सारे मार्क्स लगने हो चुके हैं इस साइड पे. अब तो कम हो चुके हैं, मैंने वो डर्माको का एच ए बी एच जेल यूज किया है कुछ दिनों तक, तो ये कम है. बट सो आप लोगों ने मैंने पूछा था कि मेकअप वीडियोस तो नहीं आएंगे, क्या आप लोग व्लॉग देखोगे? तो आप लोगों ने बोला हाँ हम देखेंगे. तो मैंने कल का व्लॉग मैंने शूट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अष्टमी का व्लॉग, बट इट वॉज वेरी बोरिंग. तो मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि मैं इसे पोस्ट करूं. सो आज है महानवमी, तो आज के लिए मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ. एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग. एंड अगर आप अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज 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 गो एंड फॉलो मी देयर. एंड मैं उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो या अभी आई थिंक दोपहर हो चुकी है, तो आई जस्ट टुक अ बाथ एंड आई फील रियली गुड राइट नाउ. एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एंड मैंने अभी पुराने ही टी शर्ट एंड मैंने अपना ये पुराना ही कुछ पजामा पहना हुआ है, बट मैं अभी घर पे ही हूँ तो कोई दिखने नहीं आ रहा है मुझको. एंड मुझे आज किसी से आप लोगों को मिलवाना है, बट मैं थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगी व्लॉग के आई थिंक एंड में ही मिलवाऊंगी आप लोगों को. तब तक पूरा व्लॉग देखना. एंड आज महानवमी है एंड हमारे घर पे आज मटन बन रहा है बहुत दिनों के बाद, तो मैं आपको लंच टाइम पे मिलूंगी. एंड उसके बाद हमारा कुछ वैसा प्लान तो नहीं है, बट चलो देखते हैं. आप लोग पूरा व्लॉग देखना एंड अगर आपको पसंद आ जाए प्लीज एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करके उसको ऑल करना. एंड प्लीज थोड़े दिन तक पेशेंस रखिए, जब ये सब मार्क्स एंड ये सब ठीक हो जाता है मैं झट से एक मेकअप वीडियो डालूंगी, क्योंकि मुझे भी मेकअप की बहुत क्रेविंग हो रही है. मतलब मुझे बहुत मन कर रहा है मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा के थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लगाऊं. सो या दैट्स इट. तो देखते हैं गाइस क्या करते हैं. तो पूरा व्लॉग देखना, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ. वेट. सो गाइज हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने अपना हेयर अभी ठीक नहीं किया है, बट मैं जल्दी से जल्दी एक क्लिप शूट करना चाहती थी, फिर मैं बाकी का रेडी होंगी. एंड मैंने वो सेम पहना है, उसके नीचे मैंने बस पलाजो पहना है. तो मैं घर आके फिर आपसे बात करूंगी. तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से, बहुत लेट हो चुका है अभी. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could delete the machine. Cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. Get you, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that. Hey guys, so हम अब घर जा रहे हैं, रास्ते में है कोई नहीं है. एंड बहुत मजे आए. मैं आज पहली बार आई थिंक बाहर निकली थी. एंड या अगर कोई देखेगा मुझे कि मैं ऐसे हिंदी में बकबक कर रही हूँ तो मुझे पागल समझेगा, बट इट्स ओके. सो हे गाइस, हम और एक पंडाल में जाएंगे फिर हम घर चले जाएंगे. एंड या दैट्स इट, अभी 8:15 बज रहे हैं. वापस आ चुके थे एंड मैं थोड़ी सी रेस्ट ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी. एंड आज मैंने अपने लाइफ में पहली बार मैं इतनी मेकअप करके बाहर गई थी. एंड इतने मेकअप में मैंने सिर्फ एक ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया था क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था. एंड एक लाइनर, काजल एंड
लिपस्टिक मैंने लगाया था बट वो थोड़ी देर बाद उतर गया और मैंने कुछ नहीं लगाया था एंड मस्कारा लगा था। तो या इतना मेरा मेकअप था एंड मैं पहली बार लाइफ में इतनी मेकअप करके बाहर गई थी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे क्योंकि मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे एंड मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा बट इट्स ट्रू क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। बट आज बहुत मजा आया क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा में आई थिंक पहली बार मैं घर से निकली थी एंड अभी आई थिंक 9:30 बजने वाले हैं। मुझे वीडियो खत्म करके एडिट भी करके पोस्ट भी करना है लेकिन मुझे आपको किसी से मिलाना है एंड शी इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। शी इज अ सच अ गुड गर्ल सो प्लीज कम ऑन माई ब्लॉग एंड हियर शी इज। एंड इसका अभी कोई नाम नहीं है बट शी इज वेरी क्यूट है ना। एंड अगर आप पूछोगे कि मुझे कहाँ मिला, मैंने इसको अडॉप्ट किया है एंड मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप एंड पेजेस पे जहां पर अडॉप्टेशन के लिए मिलता है मैंने वहां पर अप्लाई किया था बट वहां पर नहीं हुआ क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। कोलकाता से आई थिंक 3 hours लगते हैं मेरे घर पे तो मैक्सिमम सब वहां पर ही थे तो नहीं हुआ। बट लास्टली मैंने सबको पता था कि मुझे किटन चाहिए दैट्स व्हाई एक दीदी ने मुझे बोला कि और एक दीदी के पास किटन है तो मैंने एक फ्रेंड की मदद से मैंने इसको सप्तमी के दिन मैंने इसको घर पे लाई थी मैं इसको एंड शी इज वेरी नाइस। एंड इसका जो एज आई थिंक 1.5 months है एंड शी इज वेरी प्लेफुल एंड काफी स्वीट भी है। ये एकदम मेरी जैसी है बहुत स्वीट एंड बहुत खेलती है घूमती है फिरती है। बट इसका जो एक हैबिट है वो है इसको मेरे ऊपर सोना है। ये कहीं भी नहीं सोती। उसका बेड है पूरा बेड इसके लिए है बट इसको सिर्फ मेरे ऊपर या फिर कहीं पे जाके सोना होता है। एंड ये सो रही थी तो मैंने जब लाइट ऑन किया ये मेरे पीठ के पास सो रही थी लाइट ऑन किया तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो दैट्स व्हाई अभी चुपचाप है बट बहुत म्याम करती है। शी इज वेरी क्यूट। एंड आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक अपने साथ एक दोस्त रखना चाहते हो ऐसा एक पेट रखना चाहते हो तो प्लीज अडॉप्ट कीजिए, खरीदिए मत, अडॉप्ट कीजिए। एंड आपके लोकेलिटी में एक टाइम आता है हर साल एक सीजन आता है जहां पर कैट्स एंड डॉग्स बच्चे देते हैं तो आप एक टाइम तक उनके अपने मम्मी के पास रखने दीजिए उनके मम्मी के पास जब तक वो मम्मी से खाना खाते हैं फिर आप उसका उनका अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके लोकेलिटी में आपको नहीं मिल रहा है फिर भी आप अडॉप्ट करना चाहते हो लाइक मी क्योंकि मुझे मेरे लोकेलिटी में नहीं मिल रहा है ये बहुत दूर से मैं लाई हूँ। आई थिंक मेरे घर से आई थिंक बहुत ही दूर था 2 kilometers या फिर आई डोंट नो मुझे नहीं पता बट हाँ दूर था बहुत ज्यादा। एक फ्रेंड की मदद से मैं लाई थी तो आप फेसबुक पे देख सकते हो क्योंकि शायद आपको पता नहीं है बट आपके शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं अडॉप्टेशन के लिए फेसबुक पे बहुत सारे जगह पे वो पोस्ट करते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट रख सकते हो। तो मैंने 3 जगह पे फेसबुक पे अप्लाई किया था किटी फॉरेस्ट होम ARK एनिमल राइट्स कोलकाता एंड और एक जगह मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो वो सब गोड़िया में साउथ कोलकाता में है तो मेरा घर बहुत दूर है वहां से। तो अगर आप गोड़िया या फिर साउथ कोलकाता में हो आपको अडॉप्ट करना है तो मैं उन सारे जो पेजेस एंड ग्रुप्स है उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लीज एक बार चेक कर लेना। एंड या इसको भूख लगी है शायद इसको मच्छी खाना बहुत पसंद है तो पापा आज इसके लिए स्पेशली इसके लिए और एक कैट है हमारे घर पे उन दोनों के लिए मच्छी लाया है पापा तो हम वही देते हैं उसको एंड ये बहुत अच्छी है। तो ओ माय गॉड ये पोटी कर रही है बहुत अच्छी है। सो गाइस इसके बाद अब मैं शायद डिनर करूं या ना करूं मुझे पता नहीं है बट या एंड शायद मैं ना करूंगी डिनर क्योंकि आज मटन है घर पे तो थोड़ा तो बनता है। एंड इसके बाद मैं व्लॉग ज्यादा नहीं खींचूंगी लंबा तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को हिट करके उसको ऑल करना जरूर। एंड गाइस आई एम सॉरी आज बहुत दिनों बाद आई थिंक व्लॉग वीडियो आया है 5 दिन हो चुके हैं बिकॉज मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ मेकअप कॉन्टेंट ही थे बट अचानक से ये सब कुछ हो गया एंड आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूंगी एंड लेजी भी लग रहा था मुझे थोड़ा सा दैट्स व्हाई आगे से ऐसा नहीं होगा अब रेगुलर वीडियो फिर से आएगा। सो या मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ एंड बाय।